How to fix? Unfortunately, sitting has stopped. इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे जब हम एंड्रॉयड फ़ोन को नॉर्मल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से जो एरर है वो शो होता है, इस प्रकार से एरर आता है जिसमें सेटिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स किया जाए इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा। तो सेटिंग अब अगर आपकी रुक रही है, बेसिकली हम करते क्या है कि सेटिंग में कुछ भी काम हो, अलग अलग तरीके से लोगों को सेटिंग में काम होते हैं अलग अलग डिवाइस के हिसाब से। तो यहाँ पर कोई काम करते हैं एंड अचानक से हमारी सेटिंग काम करना बंद कर देती है एंड देन वहाँ पर जो एरर है वो लिखा आता है। तो इस केस में आपको क्या करना है और ये क्यों आता है वो पहले समझते हैं। तो बेसिकली सेटिंग अगर आपकी स्टॉप हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा है या फिर आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हैंग और भी होने वाला है, ठीक है ना। सेटिंग ही हमारे फ़ोन का मतलब सब कुछ होता है, सारा मतलब दारोमदार जो है सेटिंग पर होता है फ़ोन का। जो भी चीज़ आप करना चाहो वो सेटिंग से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आप अगर आप बचना चाहते हो, मतलब सेटिंग ही नहीं मतलब अपने फ़ोन को हैंगिंग से बचाना चाहते हो, तो इस केस में सबसे पहले आपको जो अपने फ़ोन में अनवांटेड एप्लीकेशन है उसको हटा दीजिएगा। जो भी अनवांटेड एप्लीकेशन मान लीजिए ये अनवांटेड एप्लीकेशन है तो आप इसे फटाक से हटा देंगे, ठीक है। इससे होगा कि आपके फ़ोन की जो स्टोरेज है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी लेकिन जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो चलते रहते हैं जिससे फ़ोन को दिक्कत आती है वो भी नॉर्मली जो है सॉल्व होने में प्रॉब्लम आपकी जो सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो जो भी अनवांटेड एप्लीकेशन है जिसे आप लंबे समय तक यूज़ ना किए हो उसे आप अपने डिवाइस से अपने फ़ोन से हटा दीजिएगा। इसके अलावा जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं लाइक क्रोम ब्राउज़र हो गया, यूट्यूब हो गया, तो उसका डेटा आपको क्लियर करना है या फिर कैचे क्लियर करते रहना है। काफ़ी समय तक हम ये सारी चीज़ें नहीं करते तो उस केस में हमारा स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के स्टोरेज और कैचे के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 600 MB का जो है हमारा कैचे बन रहा है जिसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम हटाएंगे तो हमारा जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको सबसे पहले और सबसे मेन काम यही करना है, अपने फ़ोन के अनवांटेड एप्लीकेशन को हटाना है एंड देन आपको जो है अपने फ़ोन की स्टोरेज को बढ़ाना है। इसके अलावा अगर आप अनवांटेड इंटरनेट कनेक्शन भी चलाते हैं, मतलब फ़ोन जब आप चालू नहीं रखते तभी भी आपका अगर बैकग्राउंड में नेट कनेक्शन चल रहा है तो उसको भी ऑफ़ कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।